Assalamualaikum, I am Sayyed Hazrat. आज मैं Microsoft Word 2013 में आपको पेज कलर और पेज बॉर्डर के बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेज कलर और पेज बॉर्डर कमांड अप्लाई करने के लिए हमें जाना पड़ेगा डिजाइन के ऑप्शन में, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ पेज बैकग्राउंड्स। इसमें पहली कमांड है वाटरमार्क। इसकी वीडियोज बना के मैंने अपलोड कर दी है, तो जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी वो देख लीजिएगा। आज जो मैं सिखाने वाला हूँ वो सिखाऊंगा पेज कलर और पेज बॉर्डर। तो स्टार्ट करते हैं। पेज कलर पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे काफी सारे कलर्स आ रहे हैं। आपको जो भी इसमें से अच्छा लग रहा है आप उसको चूज कर सकते हैं। ओके, इसी तरह अगर आपको मोर कलर चाहिए तो यहाँ पे लिखा हुआ मोर कलर्स। यहाँ से आपको जो भी मोर कलर चूज करने हैं आप वो चूज कर सकते हैं, जो भी उसमें से आपको अच्छा लगे कलर चूज कर सकते हैं। सेकेंड क्या है, अगर आपको स्टैंडर्ड्स में चाहिए इस तरह के कलर चाहिए तो आप वो भी चूज कर सकते हैं यहाँ से, लाइक दैट। ओके, अब हम चलते हैं सेकंड ऑप्शन पे। यहाँ पे लिखा फील इफेक्ट्स, तो ये इफेक्ट्स वाले कलर्स हैं। वन कलर, टू कलर्स, टू कलर्स अगर आप अपनी मर्जी से कोई खूबसूरत से कलर बनाना चाहें तो आप वो भी बना सकते हैं, ये देखिए। और इसी तरह आपको इसके स्टाइल चेंज करना हो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, या फिर आप फ्रॉम कॉर्नर, फ्रॉम सेंटर, डायगोनल, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसे चूज कर सकते हैं, देखिए। ओके, मजीद कमांड देखते हैं फील इफेक्ट्स में। ये प्रेसेट कलर्स हैं, यहाँ से अगर आपको कोई अच्छा लगे कलर स्टाइल जो भी आप चाहें यूज करना उसे यूज यहाँ से कर सकते हैं। ओके, फील इफेक्ट में दोबारा जाते हैं। सेकंड कमांड है हमारे पास यहाँ पे टेक्सचर। तो टेक्सचर में काफी अच्छे खूबसूरत टेक्सचर पड़े हुए हैं, आपको इसमें से भी जो भी चाहिए वो आप यूज कर सकते हैं। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं, पैटर्न। यहाँ पे पैटर्न स्टाइल आ रहे हैं काफी सारे, आपको यहाँ से जो भी अच्छा लग रहा है या जो भी आप चूज करना चाहते हैं उसे आप चूज कर सकते हैं, और यहाँ से अपनी मर्जी से कलर भी बना सकते हैं। ओके, लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे पिक्चर्स। अगर आप पिक्चर्स लगाना चाहें तो यहाँ से आप सिलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करके आप यहाँ से पिक्चर्स को भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो पेज में पेज कलर के ऑप्शन में यही ऑप्शन है जो मैंने आपको सिखा दिए। अगर आपको पेज पे कोई कलर नहीं चाहिए तो यहाँ से सिंपल आपको नो कलर पे क्लिक करना है। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं, पेज बॉर्डर पे। तो पेज बॉर्डर पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो है बॉर्डर्स का। तो बॉर्डर्स क्या है, इसमें काफी सारे ऑप्शन है, बॉक्स बॉर्डर, शेडो, 3D, सस्पिशियस आइटम हैज बीन डिटेक्टेड एंड कस्टम। ओके, तो बॉक्स बॉर्डर क्या है, सिंपल यहाँ पे देखिए प्रीव्यू शो हो रहा है, सिंपल बॉक्स आ जाएंगे, बिल्कुल नॉर्मल सा बॉर्डर होगा ये। और अगर हम शेडो की बात करेंगे तो यहाँ पे साइड में लाइट शेडो भी आएगा। ओके, और 3D क्या है, 3D भी इस तरीके से आ जाएगा। तो देखिए बॉर्डर्स क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपने दोनों जो लाइन है हमारी इस टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट किया है, और अगर आप चाहते हैं सिर्फ इसमें मुझे बॉर्डर चाहिए तो उसके लिए जो पहला ऑप्शन है हमारे पास बॉर्डर का, हम उस पर जाएंगे और बॉक्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ से जो भी आपको स्टाइल चाहिए आप स्टाइल भी चूज कर सकते हैं। ओके, फिर सिंपल ओके, ये देखिए तो बॉर्डर हमारे टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा। तो ये तो सिंपल कमांड है। सेकेंड है, अगर आपको पेज पे बॉर्डर चाहिए तो उसके लिए हमें जाना है सेकंड ऑप्शन में। फर्स्ट जो है वो बॉर्डर है किसी टेक्स्ट के लिए, और सेकंड जो है पेज बॉर्डर है, लिखा हुआ भी ऊपर पेज बॉर्डर, हम इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम कोई अच्छा सा बॉर्डर चूज करते हैं, शेडो मैंने स्टाइल ले लिया है, और यहाँ से मैं कोई अच्छा सा स्टाइल चूज करता हूँ लाइक ये वाला। और कलर अगर मैं चूज करना चाहूँ, मैं कलर चूज करता हूँ सिंपल ओके। तो ये देखिए बॉर्डर अप्लाई हो चुके हैं मेरे एवरी पेज पे, बॉर्डर अप्लाई हो चुके हैं। ओके, इसका अगर स्टाइल चेंज करूं मैं, अब इसमें कंटिन्यूसली बॉर्डर भी हैं, डॉटेड बॉर्डर्स भी हैं, डबल लाइन बॉर्डर्स भी हैं,
ये देखिए, ओके, मोर बॉर्डर के ऑप्शंस भी हैं यहाँ से। आप विथ को जो है, विथ के साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ये देखिए, ओके। और अगर आप बोर हो रहे हैं, अगर आपको कोई अच्छा सा बॉर्डर चाहिए, तो हम यहाँ से ये देखिए ऐप पे इस बना रहे हैं, इस किस्म के भी बॉर्डर्स आ रहे हैं, तो आप इसे भी चूज कर सकते हैं। देखिए आप, ये जो बॉर्डर्स हैं एप्पल वगैरह के, तो ये कोई ऑफिस में तो यूज होते ही नहीं है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो यूज होते ही नहीं है। इसको आप अगर कोई कार्ड्स वगैरह बना रहे हैं तो उसमें आप यूज कर सकते हैं। कोई अच्छा तो किसी को असाइनमेंट दे रहे हैं या कोई बना के देना चाह रहे हैं, मतलब ऐसे ही पर्सनल किसी को देना चाह रहे हैं, तो आप इन बॉर्डर्स वगैरह को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज ऑफिस वगैरह में इन चीज़ों को यूज नहीं किया जाता। ओके, नेक्स्ट हमारे पास शेडिंग। तो शेडिंग के लिए क्या करना है, हमें हमने इस काम को सिलेक्ट किया, और अगर हम चाहें इस पे शेडिंग करना, तो यहाँ से फील कलर में जाके हम शेडिंग को यूज कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह की शेडिंग हो जाएगी हमारे टेक्स्ट के ऊपर। तो मैंने आज यही सारी कमांड आपको सिखाई है। अगर बॉर्डर नहीं चाहिए तो मैं बॉर्डर हटाना आपको बता देता हूँ कि हम इसको ऑफ किस तरीके से करेंगे। बॉर्डर के ऑप्शन में जाएंगे, पेज बटन में यहाँ पे लिखा हुआ नॉन, इस पर हम सिंपल ओके कर देंगे। ओके, तो हमारे पेज बॉर्डर दोबारा हट भी जाएंगे। तो मैंने यही दो कमांड्स आपको सिखा दी हैं। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।